What is up boys and girls, it's me Mr. Vegam। तो आज से हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं अपना Minecraft Hardcore। और मैं आज थोड़ा बदला सा लग रहा हूँ। खैर आ गया मैं दादी, अरे नीचे हूँ मैं, ये रहा। आह आह इतना गंदा मारा। अरे वेगम मैं ही हूँ। हाँ हाँ मुझे पता है। ये है कि आप ना वेगम को बहुत ज्यादा तीर दिखा के डांटती हो, है ना? हाँ, तू वेगम है मतलब क्या? पास हुआ। चलो खैर। तो तूने स्किन क्यों चेंज की अपनी? यार दादी, वो दरअसल वो मैंने भाड़े पे से स्किन उठाई थी, बताना मत किसी को। ये चेक करो। और बेटा, अगर कोई पैसे की कमी हो ना, हाँ, तो एक किडनी मुझे दे दियो, मैं आईफोन 15 खरीद लूंगी। कोई तरीका है भीख मांगने का? भक्त है तेरी तो। तूने मुझे पैसे मारा वापस है? अबे कुछ पका हुआ खाने को रखा हुआ ही नहीं है। पेड़ बड़े वे इनसे 2 हार्ट बढ़ती है, मैं क्या करूं? और मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि गोल्ड भी नहीं है। तो आज एक काम करते हैं ना दादी, आज गोल्ड फार्म ही बना देते हैं, और वो इतना फास्ट बनाएंगे कि बस। क्या बोलती है? मैंने सामान ऑफ स्क्रीन थोड़ा सा जमा कर चुका हूँ। तो ये देखो, ये ऑब्सीडियन सीग्रास हम मैंने इसलिए लिए क्योंकि सीग्रास पहले इन सबको इधर डाल लेते हैं, फिर ये सामान हम लेके चलेंगे नेदर में। गाइस मैंने यहाँ से थोड़ा सा खाना निकाल के, ये ब्रेड निकाल के यहाँ लगा दिए। खैर जल्दी चलते हैं वहाँ, टर्टल्स को ना ब्रीड कराते हैं। ये देखो, ये रे टर्टल्स हमारे प्यारे। ये शील्ड किसने फेंकी यार, तुम अजीब हो। तू भी ले। तो गाइस जल्दी इनकी ब्रीडिंग कराते हैं। द पैरट्स एंड द बैट्स, ये लो, खाओ। इनकी ब्रीडिंग कराते हैं और इनसे अंडे निकाल लेते हैं। डन। तो ये भी इधर डालो। चुप हो जा यार दादी, चुप हो जा। गाइस मेरे को बहुत ज्यादा मैग्मा की भी जरूरत है, वो भी हमें लेकर आने हैं। थोड़े से रॉकेट दे दो, मेरे पास 8 बचे हैं। इतनी मेहनत तूने की कब बेटा? ये बातें बताई नहीं जाती, हूँ क्यों बोलती? ये फंस गया सी। तो गाइस मैं इस तरफ आ चुका हूँ, हम लोगों को मैग्मा भी चाहिए। ये भी उठा लेते हैं, बस हमें ज्यादा नहीं, 14,000। तो गाइस हम लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लग गया इन सबको जमा करने में। अभी मैं तुमको दिखाता हूँ। ये चेस्ट मैग्मा से, ये भी मैग्मा से, ये भी मैग्मा से, ये भी मैग्मा से। चेक कर रहे हो दादी? हाँ हर काम गाइस पता है मैं मुझे ही करना पड़ता है, ये कुछ नहीं करती, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। तेरा डेज कितना है ये बता मुझे। भाई 533 यार। हम यार वैसे, ओए बात सुन, वैसे हम लोगों को इतना टाइम लगता नहीं, हम लोगों ने इतनी देर तो हमने लगा दी कि 500 डेज हो गए। इसी बात पे गाइस सब्सक्राइब करो, और ये मैंने मार्किंग की हुई है, इसी के ऊपर अपना पूरा गोल्ड फार्म बनेगा। अब हम लोगों को यहाँ पे ऐसे करके पोर्टल्स बनाने हैं, फुल ऐसे ऑब्सीडियन को ऊपर तक ले लेके जाना है। देख लो गाइस ये क्या कर रही है। तो हम लोगों को 96 ब्लॉक्स ऊपर जाना है। गाइस तो वो अपना काम हो चुका है, ऑब्सीडियन लगाने वाला काम। अब जल्दी से मैग्मा लगाते हैं। अब पूरा एरिया मैग्मा ब्लॉक से भर देते हैं। अभी सिर्फ ये देखो एक ही जगह हुई है, ऐसी हम लोगों को पूरे ऊपर 36 ब्लॉक्स करना है। तो जल्दी से काम पे लगते हैं। हाँ गाइस इससे तो बहुत ज्यादा लग रही है मेरे को। तो मुझे नंडों को ऊपर लगाते जाना है। अब इन ट्रैप डोर्स को लगाना है ताकि ये लोग चढ़ना पाए, और बंद कर देना है इस तरीके से। गाइस ये गोल्ड फार्म पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो इसका साइज तो चेक करो, और बंदे भी आ गए। यार गाइस एक तो ये हर बात पे चली जाती है, इसको कोई काम दो ना, फौरन से चली जाती है। हाँ काला बंदर ये कौन है? कालिया। अच्छा फिलहाल तू उस बंदे को भेज दियो जब मुझे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस फार्म को चलाने के लिए गाइस 2 बंदे लगते हैं। अब चेक करते हैं जरा ये पोर्टल खुलता कहाँ पर है। बात तो सुन। क्या है?
उसका फोन नंबर 0301। हाँ ठीक है, जब बस मिला जब बन। अच्छा ओ तो ये यहाँ आए हैं। तो गाइस अब हम लोगों को क्या करना है मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। बस हम लोगों को कुछ नहीं करना, हमारे जो ये ऊपर कोऑर्डिनेट्स है ना, एक्स और वाई को 8 से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा हमें बस उस कोऑर्डिनेट्स पे जाने दो, जरा मैं चेक कर लेता हूँ। A few minutes later. ओके, तो मैंने चेक कर लिया है, मुझे बस बिल्कुल सामने जाना है। वो कहाँ तक जाना था, वो कोऑर्डिनेट्स ये हैं, हमें एग्जैक्ट इसी जगह पे बनाना है अपना। जल्दी से उसको भी बनाने का काम शुरू करते हैं। तो गाइस बहुत देर की मेहनत और मशक्कत के बाद मैंने सब कुछ बना लिया है। ये देखो पूरा कलेक्टिंग चैम्बर। जरा इस फार्म को चेक करके देखते हैं कि कुछ हुआ कि नहीं। इसे बस मुझे ऊपर चलना है, थोड़ा सा हम लोग एफ के करते हैं और देखते हैं हमारे पास कितना माल आया। तो अपने यहाँ पर जरा चेक करते हैं कितना आया। यह ओ वाओ, ऐसे हम ऐसे भी क्राउच भी कर सकते हैं। जरा पहली चीज को, अरे भाई साहब इतनी जल्दी इतना सारा, दूसरी में इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, अरे ये तो बहुत सारा आ गया। गाइस मैं तो माला माल हो गया। ये लो तुम सब भी लो, लो ये लो तुम लोग भी लो, थोड़ा ऐश करो, ये लो पकड़ो 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 पकड़ो, दिल खोल के देता हूँ मैं। ओह नो गाइस, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, चलो तुमको बता देता हूँ। जैसे ये फार्म है, अब इसको मुझे नेदर में जाके एएफके करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे पिगमेंट्स आके मरेंगे। लेकिन मुझे थोड़ी दिख रहे हैं वो, मुझे देखने के लिए मुझे अब ये वहाँ पे एक किसी बंदे को एएफके कराना पड़ेगा, और छुटकी दादी यहाँ पे है नहीं। तो बहुत अच्छा आइडिया है, उन्होंने एक बंदे का नंबर दिया था, उसको जरा सा कॉल मिलाते हैं। अबे साले तेरी मम्मी। गाइस बड़े प्यार से मैंने उसको बुला लिया है और वो मान भी गया है। वो है हमारा जाना माना, अपना भाई, अपनी लैला, अपनी चाय, अपनी गाय, वो है कालियाडन। ए कालियाडन, खैर अच्छा तेरे से एक बात करनी है, इधर आ कोने में आ। बेओ हल्लो क्या करता है इधर आ, लिए मेरी बात सुन, बैठ बैठ इधर बैठ। तेरे को पैसे चाहिए, कितने चाहिए? 40 लाख। 40 लाख? 100 रुपये से ज्यादा ना दूं उसको, मैं साले को 40 लाख मांगता है। तो गाइज मैंने इसको फाइनली इस कालिये को यहाँ खड़ा कर दिया है। तेरी तो, अब जल्दी से चलते हैं अपना उधर चेक करते हैं कि कितने आ रहे। मुझे डर लग रहा है। अबे ओ कालिये, तू बस यहाँ पे काम करने के लिए है साला। अब गाइज तुम लोग सोच रहे होंगे मैं इसको इतना मार क्यों रहा, क्योंकि छुटकी दादी को तो मैं मार नहीं सकता। माफ कर दो बेटे, फांसी पे लटका देंगे तेरे को। कि तो पहुंच चुके हैं, जरा चेक करते हैं कि यहाँ पे कितने आ रहे हैं, छुटकी दादी को बताऊंगा। अबे तो तू कर क्या लेगा। तो गाइस अब जल्दी से बनाना शुरू करते हैं अपनी फैक्ट्री को। तो ये पिलर हम लोगों ने बना दिए हैं, अब सेम हमें उसी साइड पे भी करना है। 3, 2, 1 क्या ये कूल ट्रांजिशन था। अब स्टार्ट करते हैं अपना पूरी बिल्डिंग पर काम, मेरा मतलब फैक्ट्री पर। ये देखो अपनी फैक्ट्री का आधा ढांचा तो कंप्लीट हो चुका है, यानी बाउंड्रीज वगैरह ये सब तो बन चुकी हैं, जिसे ऐसे ऊपर लगाते हैं। ओए दादी तू कब आई गांव से? तेरे कपड़ों को क्या हो गया, कहाँ जा रही है? नाइट सूट चेंज करने। गाइस मैं बस तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये पागल बना रही है ना। अरे तू पागल है? अच्छा तू कपड़े चेंज करके आ गई, ये तू नाइट सूट में क्यों घूम रही थी? मसला क्या? अरे यार एक सेकंड इधर, मैं एक बात बतानी है। हाँ 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 बता। हाँ हाँ बता। मुझे कालिये डॉन ने मेरे को बताया है। क्या? कि तू उसको बहुत मारता है। दरअसल बात ये है ना कि थोड़ा सा डर लग रहा है। खैर वो क्या है कि आप बातें ऐसी करती हो तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो सारा गुस्सा मैं कालिया डोन पर उतारता हूँ, आप पे तो उतार नहीं सकता। तलवार क्यों निकाल ली? अभी थोड़ा सा काम करना है। ओ शिट गाइस ये क्या हो गया।
तो गाइज मेरे पास एंड साइड भी खत्म हो चुका है, वो भी लाते हैं और वापस अपने काम पर लगते हैं। तो गाइज ये चेक करो, हमारी फैक्ट्री फुल रेडी है नहीं के साथ, क्योंकि यहाँ कांच तो लगा नहीं है, वो भी लगा देते हैं जल्दी से। तो गाइज अब मैं अपना यहाँ पर एक बैंक बनाने वाला हूँ, चोरी होने से बचाना भी तो है, और उसमें फुल सिक्योरिटी वाला पासवर्ड लगाऊंगा ताकि बुढ़िया कुछ ना ले ले। चोरी का मतलब आपकी बात अलग है यार, आप क्या बात कर रही हो। तो गाइस हम लोगों ने थोड़ा सा बनाया है, मैं आप लोगों को जाके दिखाता हूँ। ये तो ऐसी कोई नकली पासकोड का, इससे कुछ वर्क नहीं करता, ये ऐसी है। हाँ ये पागल बावड़ी, लेकिन ये देखो यहाँ प्रेशर प्लेट लगाई, जैसे ही मैं दबाऊंगा ये एंट्रेंस खुली और हम अंदर। इसको इग्नोर मारना, अब ये बैंक के लिए यहाँ तो जगह नहीं है, इसलिए हम ऊपर वाले फ्लोर पे बनाते हैं। जल्दी से ऊपर वाले फ्लोर को भी बना देते हैं। A few minutes later. ऊपर ये डॉलर का साइन और थोड़ा डेकोरेट कर दिए। अब प्रॉब्लम ये, ऊपर मुझे अपना खजाना भी तो डालना है, तो उसके लिए मुझे माल मसाला पानी चाहिए होगा और गोल्ड। तो दादी जान, अरे गाइस इतने सारे गिरने लग गए, मेरी गेम लैग कर रही है। ये देखें अपना ये सीक्रेट बैंक कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको इसके अंदर से दिखाता हूँ। पहले तो ये ऐसे अंदर घुसना, और ये चेक करो मेरी पूरी की पूरी जमा पूंजी इधर लग गई है। भैंस की इतने में तो बीकन बना लेता, लेकिन वो भी हम करेंगे। और यहाँ है अपना आर्मर, मैं सब निकालता हूँ। तुम यही करती रहो, तुम्हारा काम ही यही है। तो अब मुझे पीछे अपने ये गोल्ड गोलम्स को बनाना है, तो उन्हें भी बनाना शुरू करते हैं। तो अब मुझे इस पूरी जगह पर रेडस्टोन का सारा सिस्टम बिछा देना है। तो भाइयों ये चेक करो, अपने गोल्ड गोलम्स भी पूरे बन चुके हैं। अब यार मेरा एक सवाल था, अगर मैं इसके अंदर घुस जाऊं तो क्या मुझे गोल्ड का सारा सामान वगैरह मिलेगा और मैं गोल्ड आर्मर में कन्वर्ट होऊंगा? तो ट्राई करके देखते हैं। अरे बाप रे ये तो मार रही है। हम लोग बनाना शुरू करते हैं अपने ऊपर कन्वेयर बेल्ट। ये देखो गाइस हमारी कन्वेयर बेल्ट भी रेडी हैं एकदम। बड़ी देर लग गई इनको बनाने में, कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताना। गाइस इसी के साथ मेरी गोल्ड के इंगोट्स की भी मशीन बन चुकी है, ये चेक करो ये आ रहे हैं। और इसी के साथ मैं इंगोट्स की भी बना देता हूँ। तो 3 2 1 से पता लगता है कि गोल्ड नगेट्स जो हैं वो इंगोट में कन्वर्ट है, इंगोट से ब्लॉक्स में और ब्लॉक्स से गोलम्स में। मुझे ना बहुत ज्यादा दुख हो रहा है यार, मैंने हर चीज ये चेक करो तुम, ये सब मैंने अकेले बनाया, मेरी एक भी मदद नहीं की छुटकी दादी ने। एक सेकेंड गोल्ड उछल रहे हैं, एक सेकेंड जरा अंदर जाके देखूं मैं। तू 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 यहाँ बैठी है इतनी देर से यहाँ, मैं हूँ भूल गई, एक सेकंड ये मैं अंदर करूँ। तू तू यहाँ पे इतनी देर से बैठ के ऐश कर रही है, मैं वहाँ इतनी मेहनत कर नहीं। हाँ अब मुझे नहीं डर लगता, मैं पहले मेरी बात का जवाब दे। अबे तू पहले मेरी बात का जवाब दे, मैं इतनी देर से वहाँ मेहनत कर रहा हूँ, तू यहाँ पे अय्याशियाँ कर रही है। मैं गाइस ये देखो, ये मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन किया है, किलिंग चैम्बर ये चेक करो ऐसे करके। और ये मैंने शोपीस के लिए ऐसे गोल्ड का सामान लगाया है घुमाने के लिए यहाँ पर भी। और ये है अपना यहाँ पे किलिंग चैम्बर वगैरह, यहाँ पे हमारा हम सारा सामान ऐसे आके यूं लूट के ले जाते हैं। गाइस हम लोगों ने फैक्ट्री के आगे का लोगो तो बनाया ही नहीं, वरना पता कैसे चलेगा। जल्दी से इसको भी बना देते हैं। पता लग रहा है कि ये गोल्ड की फैक्ट्री है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।